और इस वक्त एक बड़ी खबर, भोपाल से दिग्विजय सिंह के प्रभार में कमी की गई है। दिग्विजय सिंह से आंध्र प्रदेश का प्रभार वापस ले लिया गया है, अब सिर्फ तेलंगाना की जिम्मेदारी उनके पास है और ये एक बड़ी खबर। हालांकि उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी मध्य प्रदेश में मिली है, समन्वय समिति का उन्हें अध्यक्ष बनाया गया है। क्या यही वजह है या फिर कोई और वजह है जो आंध्र का प्रभार दिग्विजय सिंह से अब वापस ले लिया गया है? और इस खबर पर और जानकारी लेते हैं स्वराज संवाददाता गब्बर सिंह ठाकुर हमारे साथ जुड़ गए हैं। गब्बर, किस तरीके से देखा जाए इस फैसले को, क्या कुछ कद कम किया गया है या फिर कोई और वजह है? जी देखिए, जो जिस तरीके से इन्हें कर्नाटक से इस पद से हटाया गया है, दरअसल में इन्होंने पहले इच्छा जाहिर की थी दिग्विजय सिंह जी ने कि मुझे एमपी देखना है और एमपी को लेकर के इनके लिए जो कर्नाटक का प्रभार दिया गया था उस प्रभार से ये मुक्ति चाहते थे। तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस आला कमान के निर्देश पर इनके लिए यहाँ से पद से मुक्त किया गया है। और ऐसा कहना है दीपक बावरिया जी का, जो कांग्रेस प्रभारी दीपक बावरिया जी है, उनसे जब इस विषय पर बात हुई कि दिग्विजय सिंह के लिए पद से मुक्त कर दिया गया है, तो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है, उन्होंने खुद इच्छा जाहिर की थी और ये पहले ही बातचीत हो चुकी थी कि उनके लिए एमपी देखना है, मध्य प्रदेश देखना है और उसी बात को लेकर के इन्हें कर्नाटक से मुक्ति दी है। लेकिन वहीं दूसरी ओर बीजेपी की प्रवक्ता है जो राजू मालवीय जी, उन्होंने पलटवार करते हुए कहा है कि दिग्विजय सिंह बंटाडार व्यक्ति है, दिग्विजय सिंह जहां भी जाते हैं वहां बंटाडार हो जाता है। इसी तरीके से अब ये एमपी देखेंगे तो एमपी में भी दरअसल कांग्रेस का कहीं ना कहीं अब बंटाडार होने वाला है, क्योंकि पहले भी इन्होंने एमपी का बंटाडार किया था, जनता को परेशान किया था और जनता इनसे काफी परेशान हुई थी, जिस वजह से कांग्रेस का बंटाडार हुआ था और अब फिर आ रहे हैं बंटाडार, तो फिर एमपी में अब कांग्रेस का बंटाडार होना ही है। जी।